प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। इस संडे के दिन में, यानी कि परमेश्वर की आराधना करने वाले इस दिन में आपसे मिलने में मैं आनंदित हूँ। हर एक इतवार को हम सब परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन आज हमारे देश के हालात के कारण, कोरोना वायरस के कारण, हम अपने घरों के अंदर बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप जहां भी रहेगा, आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए मत भूलिए ना। जब आपके कलीसिया की आराधना चलते हैं, उसी समय आप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। आराधना जब हम परमेश्वर की करते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर पर आएगा, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। आज हम अपने स्मरण के लिए निर्गमन की किताब 13वां अध्याय उसके 22वां वचन पर हम ध्यान देंगे। निर्गमन 13वां अध्याय 22वां वचन कहते हैं, परमेश्वर ने दिन पर इसराइलों को जो चलाने के लिए, चलने के लिए जो दिया हुआ बादल के खंबे, और रात को जो आग के खंबे को उनसे नहीं हटाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसराइलों को परमेश्वर ने मिस्र देश से, जहां पर गुलामीपन में फंसे हुए थे, वहां से परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया। जब उनको चलाने के समय दिन और रात को परमेश्वर ने उन्हें आगे अगुवाई किया, जब दिन के समय वहां के जो गर्मियों को सहने के लिए परमेश्वर बादल के खंभे बनकर उनके आगे गया, वैसे ही रात के समय उन्हें उजियाला देने के लिए, उनके लिए अग्नि के खंभे बनकर परमेश्वर आगे गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको भी और हमें भी इस दुनिया के कई प्रकार की दलदल से, पापों से परमेश्वर ने इसलिए छुड़ाया है, हम उनकी आराधना करने के लिए, हम उनकी महिमा करने के लिए, हमें स्वर्ग राज ले जाने के लिए परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया है। जिस तरह इसराइलों को छुड़ा कर उन्हें अगुवाई करने के लिए परमेश्वर अग्नि के खंभे बनकर, बादल के खंभे बनकर उनके आगे आगे गया था, उसी तरह आज हमें भी अगुवाई करने के लिए, हमें भी चलाने के लिए परमेश्वर अग्नि के खंभे के समान अपने वचनों को हमें दिया है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर के वचन मेरे पैरों के लिए, मेरे मार्ग के लिए दिया है, यानी कि परमेश्वर के वचन एक अग्नि के खंभे के समान हमें अगुवाई करने वाला है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन के लिए अपने जीवन में जगह देगा, हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर के वचन को पालन करेगा, वो वचन परमेश्वर के जहां पर आपके लिए और हमारे लिए रखा वो स्वर्ग राज ले जाने तक हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करेगा। दूसरा, जो बादल के खंभे को मैं आपको चाहता हूं, परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें अगुवाई करते हैं। एक तो परमेश्वर अपने वचन से हमें अगुवाई करते हैं, दूसरा हमें परमेश्वर अगुवाई करने के लिए अपने अभिषेक को हमारे ऊपर रखते हैं। जैसे प्रयोग के समय में, नया करार में हम पढ़ते हैं, प्रयोग के काम 1 और 2 अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर वहां पर अपने चेलों को देकर कहा, जब तक तुम उन्नत के बल को प्राप्त नहीं करते हैं, यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना है। वैसे ही यीशु मसीह के चेले लोग, जो 120 लोग ऊपर के कमरे में इंतजार कर रहे, वहां पर परमेश्वर हर एक जन को अभिषेक किया, हर एक जन के ऊपर अपने आत्मा के अभिषेक को रखा। उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आप स्वर्ग की तरफ सफर कर रहे हैं, आपको अभिषेक की अवश्य है, परमेश्वर के वचन की अवश्य है। ये दोनों आपके साथ रहेगा तो जरूर आपके रास्ता में आपको कोई नहीं रुका सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों को हम संभाल कर रखेंगे। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की तरफ देखकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस थोड़े से समय में आपके वचन को बताने के लिए हमें आप सहायता के, इसलिए धन्यवाद। हम भी आपके वचन को सुनकर, जो कोई आपके तरफ देख रहे हैं, उनके ऊपर जैसे 120 लोगों के ऊपर आपने जिस अभिषेक को डाला, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को डाला, वही अभिषेक को डालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसे प्रभु परमेश्वर, हर एक जन आपके वचन को पालन कर आगे बढ़ने के लिए, हर एक को आप अनुग्रह करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आशीष करो, अगुवाई करो, सारे स्तुति गौरव महिमा हम आपको देते हैं, हमारे उतारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे लोगों, प्रभु आपको आशीष करे। जरूर अखरी तक परमेश्वर के अभिषेक और उन्होंने हमें दिया वो वचन हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन।